एक समय की बात है, नयनपुर नामक एक गांव था। गांव में एक पुराना बड़ा सा सेब का पेड़ हुआ करता था। एक बार एक आदमी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। पेड़ पर लगे सेब को देखकर उसने सोचा, अरे वाह, ये सब तो बहुत ही ताजे और मीठे लग रहे हैं। मैं यदि कुछ सेब तोड़कर घर ले जाऊं तो सब कितने खुश हो जाएंगे। और वह पेड़ को हिलाकर सेब गिराने लगा। अरे ये तो बहुत ही रसीला लग रहा है, क्यों ना मैं एक सेब अभी यहीं पर खा लूं। वह उस लाल ताजे सेब को खाने लगता है, पर सेब खाते ही वो तड़पने लगता है। ये मेरे गले में ऐसे फंस क्यों रहा है? और वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। उसे देख वहाँ कई गांववासी इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये तो पेड़ से तोड़कर फल खा रहा था, इसकी मृत्यु कैसे हो गई? इतने में एक आदमी को पेड़ पर कुछ हिलता नजर आता है। वो ध्यान से देखता है और डर कर चिल्लाता है, अरे देखो वहाँ। उसे एक हरे रंग की भयानक चुड़ैल टहनी पर बैठकर पैर हिलाती और नुकीले दांत दिखाकर मुस्कुराती नजर आती है, पर जब तक कोई और देखे वो पेड़ में छुप जाती है। अरे वहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वहाँ एक हरे रंग की चुड़ैल बैठी थी, मैंने अभी देखा। पर किसी को उस पेड़ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। कुछ गड़बड़ तो है इस पेड़ में, चलो भाइयों हम सब इससे दूर ही रहते हैं। फिर काफी समय तक कोई उस पेड़ को नहीं छेड़ता। पूरे गांव में बात फैल जाती है कि वो पेड़ भूतहा है। कुछ दिनों बाद वहाँ तेजपाल नाम का लकड़हारा उस भूतिया पेड़ के पास वाले घर में अपनी माँ और पत्नी शारदा के साथ रहने आता है। अरे सुनती हो शारदा, इतनी देर कहाँ रह गई? चलो जल्दी खाना लगाओ मेरे लिए, हर काम में देर। पता नहीं माँ जी ने इसमें क्या देख करके मुझसे शादी करा दी। अजी ये लीजिए खाना। ये क्या बेस्वाद खाना बनाया है, खाया भी नहीं जा रहा। घर वालों ने खाना नहीं बनाना सिखाया क्या तुम्हें? माफ कर दीजिए जी, शायद नमक कम रह गया। जाओ कुछ चटपटा बनाकर लाओ जल्दी से। जी 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 अभी लाई। खाना खाकर तेजपाल लकड़ी काटने निकलने लगता है। मैं काम पर निकलता हूँ, शाम को मेरे आने तक खाना तैयार रहे, समझी? और हाँ माँ जी की सेवा अच्छे से करना, यदि मुझे उनसे कोई शिकायत मिली तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जी मैं ख्याल रखूंगी उनका। अरे अब तक चाय क्यों नहीं लाई हमारी, रसोई में सो गई क्या? अभी लाई माँ जी। जा जाकर घर की अच्छे से सफाई कर, पता नहीं कहाँ की महारानी समझती है खुद को। शारदा को बहुत बुरा लगता है। वो घर से निकलकर टहलते हुए उसी भूतहा सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और सिसक कर रोने लगती है। मैं तो सब काम मन से करती हूँ, फिर भी सब मुझे ताने देते हैं। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि ये लोग मुझसे खुश हो जाए? हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? आए मैं क्या करूँ? शाम को थक हार कर तेजपाल जब घर लौटता है तो आकर शारदा पर फिर बिगड़ने लगता है। अरे सुनती हो, बड़ी प्यास लगी है, जल्दी से पानी लाओ मेरे लिए। शारदा की आवाज नहीं आती। अरे ये कहाँ चली गई? जरूर निकल गई होगी पड़ोस की औरतों से गप्पे लड़ाने। मैं जाकर रसोई से पानी पी आता हूँ। तेजपाल रसोई में जाकर देखता है कि शारदा दूध उबाल रही है। अरे सुनाई नहीं देता क्या तुमको? तब से तुमको पुकार रहा हूँ, कहाँ खोई रहती हो? शारदा कोई जवाब नहीं देती। तेजपाल शारदा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुमसे बात कर रहा हूँ। शारदा पलट कर देखती है,
उसे देखकर तेजपाल के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा हरा और आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल रहती हैं। ये क्या शारदा, तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो गई है और तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? शारदा हाथ में उबलते दूध का पतीला उठा लेती है और नुकीला दांत दिखाकर मुस्कुराती हुई पूछती है, क्या हुआ, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं? क्यों, अब नहीं चिल्लाएंगे मुझ पर? लीजिए दूध पी लीजिए। शारदा उबलते दूध का पतीला लेकर तेजपाल के पीछे तेजी से जाती है। अरे अरे बचाओ कोई मुझे, नहीं नहीं मुझे दूध नहीं पीना, माँ जी मुझे बचाओ माँ जी। तेजपाल की चीख सुनकर तेजपाल की माँ कमरे के बाहर आती है। अरे तेजपाल ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? माँ जी वो शारदा वो। हाँ क्या हुआ है बहू को, अच्छी भली तो खड़ी है। तेजपाल पलट कर देखता है, शारदा वापस पहले की तरह हो गई है और खाना लगा रही है। शारदा तुम तो अभी वो रसोई में। अरे क्या बड़बड़ा रहा है, चल चुपचाप खाने बैठ जा। तेजपाल पसीना पोंछ कर डर डर कर खाने पर बैठता है, उसकी नजर शारदा पर ही रहती है। ये क्या था, क्या मेरा कोई वहम था या सचमुच शारदा? अरे तू आखिर सोचे क्या जा रहा है, जब से खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो रहा है। वो माँ दरअसल आज भूख नहीं है बिल्कुल, आप खा लीजिए मैं कमरे में जाकर आराम करता हूँ। तेजपाल खाना छोड़कर उठ जाता है और अंदर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में शारदा कमरे में आती है, तेजपाल डर कर उसकी ओर देखता रहता है। शारदा तुम ठीक तो हो? जी मुझे क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं तुम सो जाओ। तेजपाल और शारदा पलंग पर लेटते हैं, तेजपाल को नींद लग जाती है। तेजपाल को अचानक भुतहा गुर्राने की आवाज आती है, वो नींद टूटते ही देखता है शारदा फिर हरी चुड़ैल बन गई है। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें ठीक तेजपाल के सामने रहती हैं। तुम फिर से कौन हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तो शारदा हूँ तुम्हारी पत्नी। क्यों अब मुझ पर नहीं आ रहा गुस्सा? बहुत चिल्ला रहे थे ना मुझ पर, हाँ अब चिल्लाओ मुझ पर। अब देखती हूँ कितना साहस है तुम्हें, डांटो मुझे। अरे क्या हुआ, डर गए? डांटो डांटो डांटो। मुझे माफ कर दो शारदा, मैं अब कभी भी तुमसे गलत तरीके से पेश नहीं आऊंगा। क्यों, डांटो ना, मैं अभी देखती हूँ कितना डांट सकते हो। तेजपाल गिरते पड़ते घर के बाहर की ओर भागने लगता है। चुड़ैल जोर जोर से हंसती है, कोई मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेगी, कोई बताओ मुझे, बचाओ। पड़ोस का बबलू उसकी चीखें सुनकर घर के बाहर आता है। अरे तेजपाल क्या हुआ, इतनी रात को ऐसे चिल्ला कर कहाँ भाग रहे हो? तेजपाल बबलू के घर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। हाँ अब बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तेजपाल बबलू को शारदा की हरी चुड़ैल के वश में हो जाने की सारी बात बताता है। ये सुनकर तो मुझे कुछ समय पहले की घटना याद आ गई। पास के सेब के पेड़ के पास किसी आदमी की सेब खाने से मौत हो गई थी, और कहते हैं कि किसी गांव वाले ने एक हरी चुड़ैल को पेड़ पर देखा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? आगे मंदिर के पास एक ओम बाबा रहते हैं, वो कई वर्षों से तंत्र मंत्र करते हैं, हमें उनसे जाकर इसका कोई उपाय पूछना चाहिए। तेजपाल और बबलू बाबा के पास जाते हैं। होम बाबा सारी घटना सुनकर, तेजपाल तुम खुद ही उस चुड़ैल को मार कर अपनी पत्नी को वापस ठीक कर सकते हो। वो कैसे बाबा, वो चुड़ैल तो बहुत भयंकर और ताकतवर है। सुबह होने से पहले तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास जाना होगा। उस पेड़ पर तने के ठीक बीचों बीच गोल निशान है, तुम उस पर कुल्हाड़ी से वार करोगे तो उस चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और वो तुम्हारी पत्नी के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। तेजपाल वहाँ से अपने घर जाता है। वो चुपके से जाकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर
पेड़ के पास जाने के लिए निकलता है। उसे महसूस होता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो पलट कर देखता है। हरी चुड़ैल के वश में शारदा उड़कर उसके पीछे आ रही है। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं तुझे अब जान से मार डालूंगी। तेजपाल बस पूरी तेजी से पेड़ की ओर दौड़ता रहता है। हे भगवान बचा ले, हे भगवान वो मेरे पीछे है। इतने में तेजपाल पेड़ तक पहुंच जाता है। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। तेजपाल बस जोर से तने के बीच गोल निशान पर कुल्हाड़ी से प्रहार करता है। बचाओ कोई मुझे, और वो शारदा का शरीर छोड़कर गायब हो जाती है। शारदा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। शारदा आंखें खोलो, शारदा कुछ बोलो। ये मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ आए हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है शारदा, ये तुम ठीक हो, मुझे माफ कर।